रायपुर एम्स के द्वारा पहली बार भिलाई में हेल्थ कैंप का आयोजन 21 अगस्त को वैशाली नगर कॉलेज परिसर में आयोजित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग एम्स पहुंचकर इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, ऐसे करीब 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अनुशंसा पर एम्स प्रबंधन द्वारा पहली बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 21 अगस्त को वैशाली नगर के कॉलेज में, जो वहाँ पर एक अकेला कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, वहाँ पे मेडिकल मेगा कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें एम्स के सभी विभागों के एक्सपर्ट, सारी बीमारियों के जितने भी एक्सपर्ट हैं, उन सारे डॉक्टरों को आमंत्रित किया गया है। सबकी सहमति मिल चुकी है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक के हेल्थ चेकअप भी होगा, साथ में उसके आगे का ट्रीटमेंट जो है उसको भी सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा मिनी ऑपरेशन थिएटर भी होगा, जिसके अंदर यदि इमरजेंसी होगी तो ऑपरेशन भी किए जाएंगे और क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिले। पहली बार एम्स के डॉक्टर्स हमारे शहर में आकर के और हमारी जनता के पास आकर के उनको अपना लाभ, स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एम्स जो है उनकी अपनी ख्याति है, उनके पास में एक्सपर्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स की योग्यताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर की अपेक्षा जो है वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बड़ी हैं। हमारी जनता को उसका लाभ मिले। और चूँकि एम्स में काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, पूरे राज्य का प्रेशर होता है, तो वो हमारे यहाँ पर आएंगे तो हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। वैशाली नगर से लेकर के पूरा भिलाई क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ बढ़ना चाहिए। देखिए, सेक्टर 9 अस्पताल जो है ये भिलाई स्ट्रिप लैंड के लिए एक बहुत ही जीवनदायिनी अस्पताल होता था, लेकिन आज वहाँ सुविधाएँ कम हो गई हैं, उसकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन एम्स हमारे बीच में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया है, राज्य भी दिया उन्होंने और ये संस्थान भी दिया, तो निसंदेह उसका लाभ हमारे भिलाई वासियों को, और भिलाई में वैशाली नगर भिलाई से बाहर नहीं है, वैशाली नगर श्रमिक क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को चिकित्सा का लाभ मिले, यह हमारा प्रयास है। अभी तो हम लोग सेवा में लगे हैं और सेवा के माध्यम से जनता को लाभ मिले। देखिए, सेवा को यदि राजनीति माना जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है और हम सेवा के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं।